हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज वेजिटेबल्स खाने का मूड बन गया और फ्रेश वाला ताज़ा ताज़ा वेजिटेबल खाने का मन कर रहा है आज। तो बाज़ार में तो मिल जाता है, लेकिन हम बाज़ार वाला ना उतना अच्छा लगता नहीं है जितना हम लोग बगीचा से, हम खुद अपना हाथ से लेके जाएंगे। आज देखिए, आज हम आए, मेरा गाँव से कम करीबन 3 किलोमीटर दूर होगा। एक ठू भाई का बहुत बड़ा बगीचा है, एटलीस्ट 10-12 एकड़ ज़मीन का बगीचा है। उसमें खाली वेजिटेबल जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, सब बहुत सारा मेनी वेराइटी का यहाँ वेजिटेबल चास होता है। तो हम लोग आए हैं स्पेशल, आज फूल गोभी खाने के मन था, फुलवार के बेस का आज रेसिपी बनेंगे। तो चलिए पूरा बगीचा घूम घूम के आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं और वो साथ में फूल गोभी भी लेके जाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, आज मस्त वाला वीडियो होने वाला है। देखिए दोस्तों, फूल गोभी कितना फ्रेश फ्रेश होता है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल देसी स्टाइल में यहाँ पर चास होता है, फार्मिंग होता है। तो देखिए फूल गोभी, मतलब इसमें सार और कुछ नहीं लगता। हम लोग का जो देहात वाला का जो खत होता है ना, वही होता है। देखिए, तो चलिए इसको तोलते हैं। हम तो चाकू को भी कुछ लाए नहीं, ऐसे इसको काटते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रेश फ्रेश फ्लावर केबेज देख रहे हो, कितना मस्त फ्रेश है, पूरा हेल्दी वाला, इसमें सार और कुछ मिला नहीं। तो चलिए, हम लोग को जितना चाहिए उतना हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं और थोड़ा बगीचा का आपको शेयर कराते हैं। देखिए गोभी कितना फ्रेश, आपको नज़दीक से दिखाते हैं। जो बाज़ार में मिलता है हाइब्रिड वाला होता है, उस टाइप का है नहीं, ये पूरा देसी है। पूरा अपना जो देसी वाला खाद होता है ना, सार होता है, उसी में से इसको चास करने के टाइम उसी सार पे यूज़ किया जाता है। तो देखिए पूरा हेल्दी वाला। चलिए दोस्तों, बगीचा से आ गया फ्रेश फ्रेश फूल गोभी। तो आज हम लोग फूल गोभी की सब्जी बनाएंगे।
देखिए दोस्तों, ये होता है बैंगन का मुंडी तरफ का जो रहता है ना डंटा, वही होता है एक्चुअली। हम लोग ना नॉर्मली इसको फेंक देते हैं इसको निकाल के, लेकिन इसको मत फेंकिएगा। एक चिकन लेग पीस में जितना विटामिन होता है ना, एक बैंगन का ढेंठा जो होता है ना, इसमें उतना विटामिन होता है। तो प्लीज़ आज से कोई बैंगन का इसको नहीं फेंकना है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा विटामिन रहता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा हल्दी देते हैं। आप लोग कोई भी बागीचा से वेजिटेबल जब तोलेंगे ना, तो एक काम कीजिएगा, हल्दी और नमक थोड़ा देके उसको क्लीन कीजिएगा, ताकि उसमें जो कीड़ा उड़ा रहता है या फिर जो भी चीज़ रहता है वो सारे चीज़ निकल जाता है। कुछ टाइम तक के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ग्रीन मटर भी हम लोग निकाल दिए हैं, अभी इसी में डाल देंगे इसको। अभी रेडी हो गया है प्याज, पूरा फ्राई हो गया, लहसुन भी फ्राई हो गया है। अभी हम लोग का जो मिक्स वेज है उसको डालते हैं। अभी नमक डालते हैं, नमक डालने से जल्दी बॉयल होगा सब्जी। अभी टमाटर डालेंगे। ये देखिए मसाला डालते हैं अभी।
दोस्तों सब्जी रेडी हो गया, चलो अभी निकालते हैं। ये मिक्स वेज बहुत बहुत स्वादिष्ट टेस्ट लग रहा है। वैसे तो आप लोग को पता है कि हम लोग ये हाइब्रिड वाला लेके आया नहीं था, जो देसी में हम लोग देहात में हमें खेती होता वही वाला हम लोग फूलगोभी लाए थे, और इसमें कुछ ग्रीन मटर और ये जो गाजर बैंगन मिक्स करके बनाए थे, बहुत स्वाद लग रहा है। तो आप लोग भी, अभी सीजन है, ठंडा सीज़न में ज़्यादातर फूलगोभी मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग भी मार्केट में हर टाइम मिलेगा तो ला के खाइएगा, मस्त रहेगा, सुस्त रहेगा, ये अच्छा चीज़ है, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ हम लोग का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय दोस्तों, कोई नया रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे।